दोस्तों, विंटर फ्लावर के जो आप नर्सरी से प्लांट लाते हैं उनको जो ट्रांसफ़र करते हैं आप गमलों में या किसी और पॉट में, तो उसके लिए जो पॉटिंग मिक्स तैयार करते हैं उसके लिए जो मेरी यूनिक एक तरकीब है जिससे कि आपके प्लांट अच्छे चले और फ्लावर भी अच्छे खिले उसमें, तो उसके लिए जो यूनिक तरकीब है वो मैं आज आपको बताऊँगा जो पॉटिंग मिक्स तैयार करते हैं। तो आप वीडियो में बने रहिए और जो नए जुड़े हैं इस चैनल में वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें और जो बेल आइकन है उसको दबाना ना भूलें जिससे कि आने वाली वीडियो जो मैं बनाऊंगा उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। जो मैं आपको तरकीब बता रहा हूँ ये पॉटिंग मिक्स तैयार करने की, ये आप एक बार देखिए फिर आप आजमाना इसको कैसे होता है। ये देखिए, ये है राइस हस्क, देखिए ये है राइस हस्क, इसको आप थोड़ा थोड़ी मात्रा में लीजिए। ये राइस हस्क ले लिया मैंने, आप थोड़ा सा लेंगे, आप पराल लाओ, पराल दो, ये पराल इसने इसको ऐसे फैलाया, इसने ये पराल, ये थोड़ा सा पराल है, ये धान का पराल, इसमें थोड़ी सी देखिए आग लगा दीजिए। ये तरकीब आप एक बार आजमाना फिर बताना कि कैसे चले आपके पौधे, बढ़िया चले नहीं चले। ये राइस हस्क को इसमें मिलाते रहिए, ये देखिए पूरा जलने दीजिए पहले। इसको ऐसे आप मिलाते रहिए, इसको आप अच्छे से जलने दीजिए पूरा, बहुत हल्की मिट्टी बनेगी आपकी। इसमें आप इंडोर प्लांट भी लगा सकते हैं बढ़िया से, वो भी अच्छे चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये देखिए, ये मेरी एक तरकीब है, थोड़ी नई मैंने यूनिक तरकीब निकाली है एक। ये देखिए, इसमें आप हम मिलाएंगे ये गार्डन की जो मिट्टी है, कोई सी भी मिट्टी, ये आप इसमें ऐसे मिला दीजिए, काम हो गया। थोड़ी और ये आप इसमें गार्डन की मिट्टी ऐसे मिला दीजिए, और थोड़ी सी इसमें मिलाएंगे हम खाद, गोबर की खाद, अच्छे से जली हुई, अच्छे से मतलब सड़ी हुई गोबर की खाद में मिलाएंगे। ये गोबर की खाद मिलाई थोड़ी, ये देखिए गोबर की खाद, ये थोड़ी मिलाई इसमें, ये देखिए आप इसको मिलाते रहिए। ये थोड़ा इसमें जो जितने कीड़े वगैरह होंगे, जलाने से क्या होता है वो जितने अनवांटेड कीड़े होते हैं सब मर जाते हैं, और थोड़ा सा इसमें जलाने से जो क्या होता है राख बनती है, जो उससे भी आपको खाद की पूर्ति होती है, पोटेशियम नाइट्रोजन कैल्शियम सब उससे बन जाता है। ये आप पूरा मिला दीजिए बढ़िया से चारों तरफ से मिलाकर, और जो आपको ये राइस हस्क है ये कहीं भी आप चक्की होती हैं जो जहाँ गेहूँ वगैरह पीसते हैं, धान वगैरह जहाँ कूटते हैं वहाँ मिल जाएगा आराम से, ये बहुत सस्ती आती है, 5-6 रुपए किलो आपको मिल जाएगी राइस हस्क। बहुत यूज करिए आप इंडोर प्लांट में भी और आउटडोर प्लांट में, आपको मिट्टी कम लगेगी इससे, और बड़ी हल्की मिट्टी बनती है जिसमें जो पौधों की जड़ें हैं बढ़िया चलती हैं उसमें। बस आप इसको मिला दीजिए बढ़िया, बस आपकी जो ये तैयार हो गई है, ये पॉटिंग मिक्स पूरी तैयार हो गई है। देखिए आप ये, इसको आप इसमें कोई भी आप पॉट लेते हैं उसमें आराम से भर सकते हैं, इसमें आपकी बढ़िया चलेगी, जो भी पौधे लगाएंगे बढ़िया चलेंगे। ये देखिए, इसको आप भर दीजिए अच्छे से, आप इसमें इंडोर प्लांट भी लगा सकते हैं और आउटडोर प्लांट भी लगा सकते हैं।
जो विंटर फ्लावर के जो जितने पौधे लाते हैं आप, कोई भी पौधे विंटर के हों चाहे गर्मियों के हों, कोई भी हो, आप इसमें लगाइए, देखिए कितने बढ़िया चलते हैं और अच्छे से फ्लावरिंग होगी उसमें, उनको खाद की पूर्ति सही हो जाएगी। ये देखिए आपकी तैयार हो चुकी है, इसमें अब आपको कुछ नहीं मिलाना है, बस इसमें आप अपना पौधा लगा दीजिए, आपका पौधा बढ़िया चलेगा। और आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइए, और अच्छी लगी तो आगे शेयर भी करिए।